हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज बनाते हैं मैगी। ये हर किसी को पसंद होती है और बच्चों को तो खास तौर पर। मैंने यहाँ पे 4 कप पानी डाल सॉस पैन में और ये आधा चम्मच तेल ले लिया है। फिर इसमें मैंने 2 छोटे पैकेट्स मैगी के डाल दिए हैं। ये जब पक जाएं तो आप इसे छान लें और इसके जो मैगी के जो पानी जो निकलेंगे ना, उनको आप स्टोर करके रखें, रेसिपी बनाने में काम आएगी। देखिए, मैंने ये पानी ले लिया है, मैगी स्टॉक, और ये रिफाइंड ऑयल डाला है 1 टेबल स्पून। इसमें सरसों दाना 1/2 टीस्पून, जब चटक जाए तब इसमें करी पत्ता ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रहेगा। चॉप गार्लिक डालेंगे 1 टीस्पून, हरी मिर्ची 2 से 3, उसे ज़्यादा भी ले सकते हैं, उससे कम भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर मैगी अपने स्टाइल में आपको बनाना बता रही हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट होती है और स्पाइसी। ये देखिए, प्याज मैंने ले लिया 1 चॉप करके और उसको हल्का ब्राउन भून लें। फिर ये छोटे छोटे पीसेस से मैंने गोभी काट लिया है, इसे भी डालकर भूनेंगे। गाजर है 1 चॉप, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर, कश्मीरी रेड चिली 1 टीस्पून। इसको 1 मिनट तक सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे और यहाँ स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, कैप्सिकम 1। यहाँ पे जो नमक है ना, आप थोड़ा कम ही डालिएगा क्योंकि मैगी के मसाले में भी नमक होती हैं। ये मैंने रेड चिली सॉस डाला है 1 टीस्पून। यहाँ पर ग्रीन चिली सॉस 1 टीस्पून और ये मैगी मसाला 2 पैकेट्स। सभी को अच्छे से भून लेंगे, लो फ्लेम रहेगा यहाँ पर। अब इसमें हम मैगी का स्टॉक जो है वो डालेंगे, क्योंकि इसका जो पानी है ना वो अलग ही, इसका जो स्टार्च है वो अलग ही फ्लेवर देता है मैगी को। मैं यहाँ पे मैगी ड्राई बना रही हूँ, आप इसे ग्रेवी वाला ही बना सकते हैं। मैगी डाल देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें। बहुत ही यम्मी लगती है खाने में। देखिए कितना अच्छा सा दिख रहा है ये। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं सेजवान चटनी 1 टेबल स्पून और धनिया पत्ता। आप इसे मिला लें अच्छे से। यहाँ पर मैं मैगी का स्टॉक डाल रही हूँ हल्का हल्का ग्रेवी के लिए। देखिए, ये मैगी अब खाने के लिए तैयार है। देखिए कितना यम्मी दिख रही है ये मैगी। अंत तक मेरी वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, धन्यवाद।